देवघर का बाबा बैद्यनाथ मंदिर कोरोना के कारण काफ़ी दिनों से बंद है और पिछले साल सावन मेला नहीं लगा था और इस बार भी सावन में मंदिर बंद रहा। बॉर्डर एरिया को सील किया गया। उसके बाद व्यवसायियों का यहां के देवघर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। उसके बाद आज व्यवसायी संघ ने धरना प्रदर्शन किया और तख्ती लेकर सरकार से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द बाबा बैद्यनाथ मंदिर को खोला जाए। अब देख सकते हैं ये लोग तख्ती लिए हुए हैं कि भूख से बच्चे रोते हैं, हम मुँह छुपा कर सोते हैं, इस प्रकार के स्लोगन, इस प्रकार से एकदम मार्मिक अपील करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं। मांग है मंदिर खोलना और बॉर्डर खोलना। हाँ, हम लोग पूरी तरह से सावन में तो पार हो गया मेला। हाँ, सावन मेला तो पार हो गया, कम से कम भादो सब बॉर्डर और मंदिर खोला जाए। हाँ, हम लोग का स्थिति तो पूरी तरह नाजुक हो चुकी है। क्या सबको मरने ही मौत बहुत आ गई है। आखिर में सरकार क्या मजबूरी है जो बॉर्डर को नहीं खोला और मंदिर को नहीं खोला। अब कोविड तो खत्म हो चला है, अब जब तीसरा लहर आएगा तब फिर बंद कर दे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अभी तो खोल दिया जाए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष गुप्ता। लोगों का एक ही मांग है कि मंदिर और बॉर्डर को खोला जाए। और दूसरी बात ये है कि एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सरकार की आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था है जहाँ संपूर्ण भारत जो है अनलॉक की प्रक्रिया के तहत मठ मंदिर खुल चुके हैं, लेकिन बाबा मंदिर जो है अभी तक आम श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोला गया। साथ ही हम लोगों के लिए दोहरी मार यह हो गई कि सावन में बॉर्डर भी सील कर दिया गया। अब तो सावन भी पार होने को है और दो चार दिनों के अंदर भादो मास में हम लोग प्रवेश करेंगे, तो सरकार से बस एक ही मांग है हमारी कि मंदिर जो है पूर्णतया जो है बाहर के श्रद्धालुओं के लिए खोला जाए और बॉर्डर जो सील किया है उसे भी जो है खोला जाए। अन्यथा जो यहाँ की स्थिति अभी बन रही है इतनी भयावह स्थिति है कि आज सुबह ही हमारे एक व्यापारी बंधु ने तंगी से आकर के आत्महत्या कर लिया। इतना हमने हम लोग बड़े दुख की पीड़ा में भी, क्योंकि आज ये कार्यक्रम हम लोगों का होने का था, उसके बावजूद भी हम लोग बैठे हैं। इतना मने दुख हो रहा है हम लोगों की कि हमारे बीच का एक साथी, एक मित्र जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली, बहुत पीड़ादायक है। और मुख्यमंत्री महोदय से एक आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि आप हमारे मुखिया हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो कम से कम हम लोगों की दुख दर्द को भी आप महसूस करें। हम लोग किसे कहें, अभिभावक है आप हमारे, अगर हमारे साथ दिक्कत है तो हम आपको कहेंगे ना। तो आज एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, सांगीतिक हम लोग धरना किए हैं और मुख्यमंत्री महोदय अपनी बात को पहुँचाना का काम करें। धन्यवाद।